गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रजापति सुपर टेन अकेडमी में सुपर टिक्स के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सुपर टिक्स है बहुत ही सिंपल है। आप देखते ही जाना से आना 2 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो। सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर 2 होना कंपलसरी है और फॉर्मेशन कुछ इस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है, ये संख्या और ये संख्या अंडर रूट में होना चाहिए और बगल में 2 जरूर होना चाहिए। यहाँ पर 2 होना ही चाहिए। यदि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि फैक्टर करने के बाद में, गुणांक करने के बाद में जोड़ने पर जो संख्या हो ये वाली आना चाहिए। बस इतना सा कंसेप्ट है। अर्थात ये जो बगल में 2 हैं और इसके हमें ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 5 हो जाए, ऐसे गुणांक करना है कि जोड़ने पे 5 हो जाए। तो आप नॉर्मली हमें बताओगे कि ये कौन से हो सकते हैं, अंडरूट 3 और अंडरूट 2। 3 × 2 = 6 होंगे। क्या जोड़ने पे 5 हो रहे हैं 3 और 2 = 5। अब प्लस है तो प्लस लगा दो और माइनस है तो माइनस लगा दो। आप खुद बताओ दोस्तों, क्या इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या पेन उठाने की ज़रूरत है। हम देखते ही बता सकते कि 6 के हम फैक्टर ऐसे करना है कि 5 आ जाए, तो 3 × 2 = 6 तो आसानी से बता सकते थे। यदि वाई चांस इस जगह पे प्लस की जगह, यदि वाई चांस प्लस की जगह माइनस है तो बस दोस्तों अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर माइनस करना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बस याद रखने वाली बात ये है कि जब फैक्टर करेंगे तो बड़ा वाला गुणांक पहले रखना है। ठीक है दोस्तों, एक बार और प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आप खुद बताओ दोस्तों, इसका आंसर कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली बात कि हमें इसके ऐसे गुणांक करना है, इसके ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 8 आ जाए, तो कितना होगा अंडरूट 5 और अंडरूट 3। तो क्या 8 हो रहे हैं, इसी वजह से ये फैक्टर लेंगे और दूसरे फैक्टर नहीं ले सकते और दूसरे गुणांक नहीं ले सकते। प्लस है तो प्लस लगा दो, हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, चुटकियों में उड़ेंगे बस क्वेश्चन इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन, 7 + 2 √12। तो दोस्तों यहाँ पर 12 के ऐसे गुणांक करना है कि जोड़ने पर 7 आ जाएं। 12 के ऐसे गुणांक करना है कि जोड़ने पर 7 आ जाएं। आप खुद ही बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से गुणांक हो सकते हैं कि 12 के गुणांक करो कि जोड़ने पर 7 आ जाएं। तो सीधी सी बात है, 4 × 12 ये अंडरूट में है तो अंडरूट लगा दो, प्लस है प्लस लगा दो। लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं होगा। आंसर जो होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 4 का वर्गमूल 2 + √3, आंसर आपके सामने ही होगा, ऑप्शन से आप पहचान जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो SSC की परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर लिखा है a = √7 + 2 √12 और b = √7 − 2 √12। तो a + b की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आप खुद ही बता सकते हो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सिंपल तरीके से। यहाँ पर जस्ट अभी क्वेश्चन किया है अपन ने, a की वैल्यू, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, 12 के फैक्टर करो कि 7 आ जाए। तो 4 × 12 होती हैं, चूँकि 4 वर्गमूल में है तो वर्गमूल से संख्या आएगी, तो 4 का वर्गमूल 2 बचेगा प्लस अंडरूट 3। तो यहाँ पर a = हमें मिल गया। अब b की यदि वैल्यू देखें तो b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 हो जाए। तो 4 × 12 4 वर्गमूल के अंदर है, 4 का वर्गमूल हुआ 2, माइनस माइनस लगा दो यहाँ पे। तो यहाँ पर a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो सिंपल है, यानी हमें a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, अब हमें a + b की वैल्यू निकालना है। तो बस यहाँ पर डाटा रख दो, a बराबर यहाँ रख दो और b = यहाँ मान रख दो और आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, a = कितना होगा, 2 + √3 और +2 − √3। तो यहाँ से आंसर प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कटे आएंगे, आंसर जो होगा अपना 4 आंसर। तो दोस्तों आप खुद ही बताइए ये
एसएससी का क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि एसएससी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत सोच समझने वाला एक क्वेश्चन तो होना चाहिए। तो अब ये वाले क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास दो नहीं है, तो कोई बात सिंपल तरीका है, दो नहीं है तो हमें कैसे भी करके यहाँ दो बनाना होगा। दुनिया का रूल्स है, यदि अपना काम निकालना है या तो हम दूसरे के बन जाएँ या दूसरों को अपना बना लें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो नहीं है तो दो बनाएंगे। अब छः में से हम दो को कैसे बना सकते हैं, तो सीधी सी बात है, छः के ऐसे फैक्टर करना है कि दो आ जाए। तो इधर हम छः को क्या लिख सकते हैं, दो तीया छः। अब इधर लिखे हैं रूट दो और इधर लिखे हैं 11, इससे तो बोलना नहीं है। हमें केवल इस दो से मतलब है, हमें केवल इस दो से मतलब है, बाकी संख्या अंडरूट के अंदर जाएगी। तो बाकी संख्या यदि अंडरूट के अंदर जाएगी तो तीन का जब कोई संख्या, नोट करें ये बात को दोस्तों, यदि कोई संख्या वर्गमूल के अंदर जाती है तो उसका वर्ग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई संख्या वर्गमूल के अंदर जाती है तो उसका वर्ग हो जाता है। यदि कोई संख्या वर्गमूल के अंदर जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, वर्ग। इस वजह से ये संख्या कितनी हो बचेगी, यहाँ पर ये दो तो हमें चाहिए, अब ये तीन वर्गमूल के अंदर करना है। तो तीन यदि वर्गमूल के अंदर करें, इसके बाद ये एक संख्या हो जाएगी आपकी 18। तो 11 प्लस 2 अंडरूट 18। तो सिंपल सी बात है कि 18, अब यहाँ पर हमें दो चाहिए और दो मिल गए, बस अपना काम निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसके ऐसे फैक्टर करना है 18 के कि जोड़ने पे 11 आ जाए। तो कौन से हो सकते हैं दोस्तों, आप खुद ही माइंड लगा के बताएं। तो वो कौन सा फैक्टर होगा, अंडरूट 9 और 2। क्या गुणा करने पे 18 हो रहे हैं, 9 दुनिया 18, जोड़ने पे क्या 11 हो रहे हैं। बस आपका आंसर यही है, बस अंडरूट 9 जो आंसर मिलेगा, अंडरूट 9 है। तो बाहर आके ये कितने बचेंगे, 3 प्लस अंडरूट 2 आंसर। एक बार और, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर क्या आएगा प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये रहा, 8 प्लस अंडरूट 28। अब हमारे पास यहाँ दो नहीं हैं यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो नहीं है तो दो बनाना पड़ेंगे। अब दो कैसे बनाएंगे, ये जो 28 दिख रहे हैं इसी में से हमें अंदर चार अंडरूट के अंदर चार करना है, और बाहर आके वो अंडरूट के चार बाहर आके दो रह जाएंगे। ये जो 28 हैं इसी को हमें चार के मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे तो ये जो अंडरूट के अंदर चार है वो बाहर आके दो बचेंगे। अब क्या करेंगे हम इसके लिए, हमें अब यहाँ पर दोस्तों दो तो है नहीं, अब हमें अंदर अंडरूट के 28 हैं और हमें यहाँ पर दो लाना है। अब दो कैसे लाएं, यदि अंडरूट के अंदर चार होते, अंडरूट के अंदर चार होते तो बाहर आके वो दो बचते। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अंडरूट के अंदर चार लाना है। अब चार कैसे आएंगे, क्या हम 28 को इस तरीके से लिख सकते हैं, चार का गुणा कर दो, चार का भाग दे दो। अभी किया कुछ नहीं है, चार से चार यदि काट दूं तो कुछ बचा ही नहीं, 28 ही लिखे हैं, लेकिन अपना मतलब सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमें ये चार चाहिए जो कि बाहर आके कितने हो जाएंगे, दो। बाहर आके ये कितने हो जाएंगे, दो, 8 प्लस ये बाहर आके कितने हो जाएंगे, दो, और अंदर कितने बचे, ये 28 चार से कट जाएंगे तो अंदर बचेंगे 7। तो इस 7 बस क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब तो आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पर हमें दो से मतलब है और दो मिल गए। अब इसके ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 7 ही रहें और जोड़ने पर 8 हो जाएं। तो कौन से फैक्टर हो सकते हैं, अंडरूट के 7 प्लस 1। तो आंसर क्या होगा, अंडरूट के 7 प्लस 1, बस यही आपका आंसर है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर तो भाई लोगों दो है ही नहीं, तो क्या करें हम, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमें तो दो लाना है कैसे भी लाओ। अब ये आप तो माइंड लगाओ कैसे लाएंगे भैया, कैसे लाएं यहाँ दो, हमें दो लाना है।
चाह कैसे भी अपना उल्लू सीधा करें, चाह कैसे भी अपना उल्लू सीधा करें, वो आपके माइंड में है। खुरापाती दिमाग लगाओ, यहाँ पर दो लाओ तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, क्या करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी बात है भाई लोगों कि यहाँ पर दो का गुणा कर दो, दो का भाग कर दो, सीधी सी बात है। हमें तो दो चाहिए, कैसे भी जॉब चाहिए हमें, यहाँ पर जॉब तो हमें चाहिए, इसी तरीके से यहाँ पर दो तो चाहिए। चाहे आप कैसे भी लाओ, किसी के हाथ खींचो, किसी के पैर खींचो, किसी का भी कुछ भी करो, कुछ भी करो, यहाँ पर दो लाओ। जैसे यहाँ पर दो आ गए, बस अपना काम सॉल्व हो गया। अब हमें इस दो से मतलब है, इससे ये पूरे बटे में है दोस्तों, ये बटे में है क्योंकि बीच में गुणांक है, तो ये पूरे बटे में ही होगा। अब इसका गुणा इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 + 2√5। अब पूरे के बटे में कितना है, 2। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 + 2√5। 6 + √5, और ये जो अंडरूट पूरे पे है, ये बटे में दो लिखे हैं, इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाने वाली बात है कि ये जो पार्ट दिख रहा है पहले की तरह बन गया, और इसे पहले की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारे पास यहाँ दो है, है तो इसके ऐसे फैक्टर करो कि गुणा करने पर ये 5 ही रहे और जोड़ने पर 6 हो जाए। तो कौन से हो सकते हैं वो फैक्टर, अंडरूट के 5 + 1। अब बटे में 2 लिखा है, इस 2 को जैसे के जैसे रहने देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्या करें, ऐसा कोई 4 का गुणांक अंदर तो बन नहीं सकता, बाहर ऐसी कोई संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इधर हम 2 लाना है, कैसे भी लाओ, तो 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा किया, 2 का भाग कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर 63 लिखा हुआ है, और दोस्तों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, ये SSC के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके हम इधर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 2√63, और पूरे के बटे में कितना रहेगा, दो, ये पूरे पे अंडरूट है, पूरे पे अंडरूट है, इसलिए ये भी संख्या अंडरूट में है और ये भी संख्या अंडरूट में है। जब दोनों ही संख्या ये पूरे पे अंडरूट है, इसलिए ये भी संख्या अंडरूट में है, ये भी संख्या अंडरूट में है। अब ये पूरी संख्या अंडरूट में है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग अंडरूट में कर लेंगे। तो यहाँ से इस संख्या को अंडरूट में अलग करेंगे और इस संख्या को अंडरूट में अलग कर लेंगे। अब 63 के ऐसे फैक्टर करना होंगे कि जोड़ने पर 16 हो जाए। तो 63 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि जोड़ने पर 16 हो जाए, तो ये फैक्टर हैं आपके 9 + 7 = 63, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और बटे में अंडरूट है तो अंडरूट कर देंगे बटे में, ठीक है। तो अब आंसर इस तरह से नहीं मिलेगा, अंडरूट 9 भी एडजस्ट किया हुआ होगा, आंसर होगा 3 + √7 और बटे में अंडरूट के 2। तो दोस्तों आपका आंसर आएगा ये। अगला वाला क्वेश्चन जो किया है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, और यदि पहले वाला क्वेश्चन यदि समझ में आया तो अभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे और इसका आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। एक छोटी सी इसमें पॉइंट ऑफ कुछ खास नहीं है, बस हिंट ये दे रहा हूँ कि यहाँ पर 2 रखना है बाकी संख्या को। एंड तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए कि अगली वीडियो इसी तरीके से सुपर टिक्स के साथ आपके पास पहुँचे, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है चैनल को, फिर
घंटी वाली जो चिन्ह है, जो बेल आइकन है, उसको प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद यदि वीडियो जो बनेगी जैसी आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचेगी।